धोनी कब संन्यास लेंगे, ये सवाल इन दिनों भारतीय मीडिया में छाया हुआ है। जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, लगातार धोनी के संन्यास की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव का कुछ और ही मानना है। उनके मुताबिक धोनी के अंदर अभी काफी क्रिकेट बचा हुआ है और उन्हें अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी अभी टीम इंडिया को जरूरत है। कपिल देव ने कहा कि उन्होंने धोनी से संन्यास न लेने की अपील भी की है। कपिल देव ने खुलासा किया कि धोनी के संन्यास की खबरों के बीच उन्होंने धोनी के मोबाइल पर मैसेज भेजा। कपिल ने बताया, मैं लंदन में एक होटल में ठहरा हुआ था, वहाँ कॉफी लाउंज में मैंने अपने दोस्त से पूछा कि धोनी का कोई नंबर है क्या, मैं फोन नहीं करूंगा, लेकिन मैंने मैसेज भेजा, आपको रिटायर नहीं होना चाहिए, सिर को गर्म ना होने दे, ये एक पूर्व क्रिकेटर के तौर पर संदेश है। जब मुझे ईडन गार्डन टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ बाहर कर दिया गया था तो मैं भी गुस्से में रिटायर होना चाहता था। वही कपिल से पूछा गया कि सुना है कि चयनकर्ता धोनी से बात करेंगे, इस पर उन्होंने कहा, पहले टेस्ट या वनडे खिलाने से पहले क्या धोनी से पूछा गया था कि उन्हें मौका दिया जाएगा या नहीं, तो अब उनसे क्यों पूछा जाना चाहिए कि तुम कब रिटायर होगे, ये एक वरिष्ठ क्रिकेटर के लिए शर्म की बात है। मैं अपमान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए स्वीकार करना मुश्किल है। धोनी से बात करने का मतलब है उनसे पूछना कि वो कब जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया कप फाइनल में ना पहुंचने की वजह क्या सिर्फ धोनी ही थे। उन्होंने आगे कहा कि धोनी ने खुद टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, अगर आप 10 और टेस्ट खेलना चाहते थे तो खेल सकते थे। वहीं 5 चयनकर्ता धोनी का भविष्य तय करेंगे, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब भी सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी रिटायर होते हैं तो वो ही तय करते हैं। मैं धोनी से अनुरोध करूंगा, पानी पियो, ठंडे रहो, अकेले सोचो, फिर फैसला करो। यानी ऐसे में कहा जा सकता है कि कपिल देव ने धोनी को लेकर एक बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने अपने तरीके से धोनी को मैसेज भी भेज दिया है। क्या धोनी को लेकर कपिल देव का ये मानना सही है? आप भी अपनी राय कमेंट कर बताइएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।